शंकर जी की जटा से निकले निर्मल गंगा पानी। कोई कहे तुझे गंगा माता, कोई कहे महारानी, शंकर जी की जटा से निकले निर्मल शरणागति आता यम की
यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता।
अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे अखण्डमण्डलाकारं व्यापं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नित्यशुभं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्माणमान्यहम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्री सद्गुरुदेवकी जय ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार सीताराम वरनौ रघुबर विमल ईशा जोदायक पर चार सीताराम बुद्धिहीन तन जानिक सुमिरो पवन कुमार सीताराम बल बुद्धि विद्या देव मोहि परहु कलेश विकार सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ बजार ध्वजा विराजे कांधे मूज जने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे नाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शोर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वचन तुम रोहिश गावे अस कहि श्रीपति कंद लगावे सनकालिक ब्रह्मादि मुनीश नारद शारद सहिताहीश यम कुबेर दिकपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव लिखेना राम निहाय राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर बाना लीलो ताहि मधुर पल जान प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल्दी लांग गए अचर जनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोग्रह तुमरे केते राम दुवारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना
आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हागते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान चुरावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन पल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता अस बल दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव गिनाई या शत बार पाठ कर जोई चूके बंदी महा सुख होई जो यह पर हनुमान चालीसा हो से दिशा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महावीरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप सीतारा राम लखन सीता सहिता हृदय बसव सुर भूप सीतारा श्री गुरु चरण सरोजर जा निज मन मुकर सुधार सीतारा वरनो रघुबर विमल ईशा जो रायत पर चार सीतारा बुद्धिहीन तन जाने के सुमिरो पवन कुमार सीतारा बल बुद्धि विद्या देव मोहि परहु कलेश विकार सीतारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ बजाय ध्वजा विराजे कांधे मोज जने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शोर लाए रघुपति कीने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस भजन तुम रोश गावे अस कहि श्रीपति कंदन लावे सनकालिक ब्रह्मादि मुनीश नारद शारद सहिताहीश यम कुबेर दिकपाल जहाते कवि गोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव लिखेना राम निनाय राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर बान लियो ताहि मधुर पल जान प्रभु मूर्तिका मेरे मुख मानी जल्दी लांग गए अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन
तेज संहारो आपे तीनों लोक हागते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान चुरावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस बल दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव गिनाई या शत बार पाठ कर जोई चूके बंदी महा सुख होई जो यह पर हनुमान चालीसा हो से दिशा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप सीतारा राम लखन सीता सहिता हृदय बसौ सुर भूप सीतारा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार सीतारा वरणों रघुबर विमल शा जो दायक परचार सीतारा बुद्धिहीन तन जानके सुमिरो पवन कुमार सीतारा बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश विकार सीतारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ बजाल ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेवो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातु राम काज करिबे को हाथ प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शूर लाए रघुपति कीने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत सम भाई सहस भजन तुम रो यश गावे अस कहि श्रीपति कंद लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित हरीशा यम कुबेर दिकपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम निहाय राज पर दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर बानो मीयो ताहि मधुर पर जानो प्रभु मोद्रिका मेरे मुख माही जग दिनाहि गए अचल चनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोग्रह तुम्हरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपन
तेज संहारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान चुरावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे का सुमित जीवन पल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साध संग के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अस्त्र से भी नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त लगाए हनुमत से सर्व सुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई यह शत बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पर हनुमान चालीसा होए से दिशा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा विजय नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप सीतारा राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सीतारा हृदय बसौ सुर भूप सीतारा हृदय बसौ सुर भूप सीतारा। ओम नमो भगवते शिवानंदाय ओम नमो भगवते शिवानंदाय ओम नमो भगवते शिवानंदाय। Today's reading is taken from Shivananda's Gospel of Divine Life. It is entitled Glory of His Spiritual Life. Sri Hem Khan's brothers had come with the intention of taking him away. Hem came into the office with one of the brothers. "Do you wish to go?" the master asked Hem. "Yes, Swamiji, I might go for a few days and then return." "Then you are at perfect liberty to take him," the master said to his brother. Turning to him, the master said, "If you wish to come and stay here, you should make a thorough self-analysis and find out if your dispassion is ripe. You should clearly understand the difficulties that you will have to encounter on the path. Renunciation is not a joke. Tomorrow, if you fall sick and find that you are not as fondly attended to here as you had been in your own home, you should not regret having taken the step. You must be prepared to undergo any sort of suffering for the sake of God realization. This is the greatest aim in life. So, consider deeply before finally making up your mind to stay here." While both the brothers were leaving the office, the master called Hem's brother again. "What made you make the trip all the way from Guwahati to Rishikesh?" "Swamiji, our mother is greatly upset on account of Hem's absence. Everyone at home is miserable, so I was asked to fetch him back." "It is a good thing, because you have had a Ganges bath, which you might not have had otherwise. You have done some japa sadhana on the Ganges bank also." "But why should the parents be worried? He is not dead. He is alive, and very much so. Perhaps only now he is really alive. Do you call a worldly life of misery life at all?" Here he was leading a spiritual life, a blessed life devoted to God. "Why should the parents be anxious? Has he committed any crime? On the other hand, they should be happy that one of their sons has taken to the spiritual path." "He's not the only son. He has two brothers. The progeny will be kept up by them. Why should he also procreate? Here he will do something which no one has done.
he will do sadhana to have self-realization. Is it inferior to studying for the BA and later on rotting in an office as a clerk? Tell your parents from me that if two sons remain in the family to look after the parents in their old age and to keep up the progeny, at least one should lead a life of renunciation and strive to attain God-realization. You also can spend your life of retirement here. So can your parents. What a great blessing it will be. Om Tat Sat.
जय राम।
पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। It was the ninth day of the bright half of the sacred month of Chaitra. The moon had entered the asterism named Abhijit, which is so dear to Sri Hari. The sun was at its meridian. The day was neither cold nor hot. It was a holy time which gave rest to the whole world. A cool, soft, and fragrant breeze was blowing. The gods were feeling exhilarated and the saints were bubbling with enthusiasm. The woods were full of blossoms, the mountains were resplendent with gems, and in every river flowed a stream of nectar. When Brahma perceived that the time of Sri Rama's birth had approached, all the gods came out with their aerial cars duly equipped. The bright heaven was crowded with their hosts and troops of Gandharvas, who chanted praises and showered flowers, placing them in their beautiful palms. The sky resounded with the beat of kettle drums. Nagas, sages, and gods offered praises and tendered their services in manifold ways. Having offered their praises, the gods returned to their several abodes when the Lord, the abode of the universe and the solace of all creation, manifested himself. The gracious Lord, who is compassionate to the destitute and who is the benefactor of Kausalya, revealed himself. Mere thought of whose marvelous form captivates the minds of sages fills the mother with joy. His body was dark as a cloud, the delight of all eyes. In his forearms, he bore his characteristic emblems, a conch shell, a discus, a club, and a lotus. Adorned with jewels and a garland of sylvan flowers, and endowed with large eyes, the slayer of the demon Kara was an ocean of beauty. Joining both her palms, the mother said, "O infinite Lord, how can I praise you? The Vedas as well as the Puranas declare you as transcending Maya, beyond attributes, above knowledge, and beyond all measure. He who is sung by the Vedas and holy men as an ocean of mercy and bliss, and the repository of all virtues, the same Lord of Lakshmi, the lover of his devotees, has revealed himself for my good. The Vedas proclaim that every pore of your body contains multitudes of universes brought forth by Maya. That such a Lord stayed in my womb, this amusing story staggers the mind of even men of wisdom." When the revelation came upon the mother, the Lord smiled. He would perform many a sportive act. Therefore, he exhorted her by telling her the charming account of her previous birth, so that she might love him as her own child. The mother's mind was changed. She spoke again. "Give up the superhuman form and indulge in childish sports, which are so endearing to a mother. The joy that comes from such sports is unequaled in every way." Hearing these words, the all-wise Lord of immortals became an infant and began to cry. "Those who sing the story," says Tulsidas, "attain to the abode of Sri Hari and never fall into the well of mundane existence. For the sake of Brahmanas, cows, gods and saints, the Lord, who transcends Maya and is beyond the three modes of Prakriti, Sattva, Rajas and Tamas, as well as beyond the reach of the senses, took birth as a man,
assuming a form which is a product of his own will. Yeah.
जब रामचंद्र बनवास संग जानकी मान हो जब रामचंद्र बनवास संग जानकी मान आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई दोनों के बीच में जानकी माई दोनों के बीच में जानकी माई चलत चलत वनवासी चलत चलत वनवासी जब राम चले नर भव सिंह अपारा जासु नाम सुनिर एक बारा पुत्र ही नर भव सिंह अपारा पद पखारी जल पान करी पद पखारी जल पान करी केवट पारु गंगा प्रभु लाई केवट पारु गंगा प्रभु लाई राम चले बनवास संग में जानकी माई हो जब राम चले बनवास संग में जानकी माई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई दोनों के बीच में जानकी माई दोनों के बीच में जानकी माई चलत चलत वनवासी चलत चलत वनवासी जब राम चले वनवास संग में जानकी माई हो जब राम चले बनवा संग में जानकी माई कोमल कोमल पांव चले ठंडी छांव मिले रे कोमल कोमल पांव चले ठंडी छांव लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई दोनों के बीच में जानकी माई दोनों के बीच में जानकी माई चलत चलत वनवासी चलत चलत वनवासी जब राम चले बनवास संग में जानकी माई हो जब राम चले बनवास संग में जानकी माई रघुपति चेत्र को तो बसी माना चरित की श्रुति सुहाना रघुपति चेत्र को तो बसी माना चरित की श्रुति सुधाराणा अत्रि
भयो अत्रि के आश्रम प्रभु भयो सुनत महामुनि हर्षित भयो सुनत महामुनि हर्षित भयो रामचंद्र वनवास संग में जानति माई भोजब रामचंद्र आगे आगे राम चलते हैं पीछे लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलते हैं पीछे लक्ष्मण भाई दोनों के बीच में जानकी माई दोनों के बीच में जानकी माई चलत चलत वनवासी चलत चलत वनवासी जब राम चले वनवास संग में जानक माई हो जब राम चले वनवास संग में जानक माई ओम नमो चलत वनवासी जब राम चले वनवास संग में जानकी माई हो जब राम चले वनवास संग में जानकी माई ओम नमो भगवते शिवानंदाय 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 ओम प्रेम भवं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवावन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात् ओम प्रेम भवं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवावन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवावन्दनान् मृत्योर्मुष्यमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
Bye.
सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ अस्तु मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतम् गमया ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 श्री सद्गुरु भगवान् की जय